मां नर्मदा इंडियन गैस एजेंसी के मालिक के घर पर खाद्य विभाग ने दबिश देकर जब्त किए 20 घरेलू सिलेंडर। खबर शिवपुरी से आ रही है। खबर देहात थाना के अंतर्गत आने वाले राघवेंद्र नगर से है, जहां आज स्वराज ट्रैक्टर एजेंसी के पास खाद्य विभाग के द्वारा एक घर में 20 घरेलू सिलेंडर जब्त करने की कार्यवाही को लेकर अंजाम दिया है, जिसमें 14 भरे और 4 खाली सिलेंडर पाए गए हैं। कार्यवाही जारी। जानकारी के अनुसार मां नर्मदा इंडियन गैस एजेंसी के मालिक अर्जुन अग्रवाल के घर से खाद्य विभाग के डीएसओ खुशबू शुक्ला, डीएसओ गौरव कदम ने संयुक्त कार्यवाही कर 20 घरेलू सिलेंडर जब्त किए, जो कि घर के अंदर अनाधिकृत रूप से रखे हुए थे। 14 एलपीजी सिलेंडर भरे और 6 खाली पाए गए। खाद्य पूर्ति अधिकारी गौरव कदम ने बताया कि द्रव पेट्रोलियम प्रदाय वितरित विलय के तहत कलेक्टर को प्रस्तुत कर कांटों से करो कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखेंगे। अगर सूत्रों की माने तो गैस एजेंसी संचालक द्वारा लंबे समय से सिलेंडर ब्लैक करने की बात सामने आ रही थी। पोखरी क्षेत्र में ये गैस एजेंसी द्वारा पहले भी भ्रष्टाचार के कई बार मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कई मामलों को गैस एजेंसी संचालक द्वारा दबा दिया गया। इस गैस एजेंसी संचालक द्वारा बार बार ब्लैक की बात सामने आ रही थी, लेकिन आज जब इस तरीके की धरपकड़ की गई तो मामला निकल कर सामने आ रहा गया कि इस तरीके से कई संचालक और भी सामने आ सकते हैं। वहीं फूड विभाग द्वारा इस तरीके से कोई और भी जानकारी मिलने पर छापामार कार्यवाही जारी रहेगी। जब इस संबंध में इंडियन गैस के वरिष्ठ अधिकारी सीआर रोहित से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि इस तरीके से किसी भी गैस एजेंसी संचालक के घर से इतनी बड़ी मात्रा में सिलेंडर मिलना पूर्णतः अवैध है। इस पर इंडियन ऑयल की तरफ से भी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सराय एजेंसी के बगल से रमेश चंद्र गुप्ता जी की जो दुकान है बाहर, उसमें अनाधिकृत रूप से घरेलू एलपीजी सिलेंडर रखे हैं। तो गोप्य सूचना के आधार पर जांच की गई थी। जांच में हमने उस दुकान में 20 सिलेंडर पाए गए हैं मौके पर, जिसमें 14 सिलेंडर भरे हुए हैं, 6 खाली हैं और अनाधिकृत रूप से रखने के कारण उनको जब्त किया गया है। सर क्या कार्रवाई करेंगे आप इसमें? द्रव्यजत पेट्रोलियम प्रदाय और वितरण अधिनियम आदेश के तहत में जो कार्रवाई होगी वो कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई करने का हम प्रस्ताव रखते हैं। सर ये किसकी एजेंसी थी? इसमें मां नर्मदा इंडियन का नाम आ रहा है फौरी में, जो गैस एजेंसी इसके प्रोपराइटर कौन है? तो प्रोपराइटर इसमें अर्चना अग्रवाल जी बताई जा रही है। तो एजेंसी के खिलाफ भी हम लेते हैं। ठीक है।